उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। सीएम बनने के बाद से ही योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए योगी सरकार कई कदम उठा चुकी है और अब योगी सरकार यूपी से अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के मूड में है। दरअसल असम के बाद अब यूपी में भी एनआरसी पर चर्चा तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने सभी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को सूचित किया था कि राज्य में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान करें। सरकार ने सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को भी सुझाव दिया था कि किसी भी मजदूर को काम पर रखने से पहले पहचान पत्र की जांच करें। अब योगी सरकार की पुलिस एक्शन में आ गई है और हर पुलिस स्टेशन के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर रहे हैं। पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की जांच की जा रही है और उनका पहचान पत्र भी वेरीफाई किया जा रहा है। यूपी पुलिस सभी जुग्गी झोपड़ियों में जाकर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने में जुटी है और इनके नाम की सूची भी तैयार किया जा रहा है। राज्य के पुलिस द्वारा तैयार की गई सूची को सरकार को सौंपी जाएगी। इससे यूपी सरकार को पता चलेगा कि राज्य में कितने अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। उसके बाद योगी सरकार फैसला करेगी कि इन घुसपैठियों के साथ क्या करना है। फिलहाल असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी हलचल बढ़ गई है कि क्या राज्य में एनआरसी लागू हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एनआरसी के पक्ष में है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मजबूत योगी सरकार है। और अगर आने वाले दिनों में यूपी में भी एनआरसी लागू हुई तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।